हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्कैनर शेयर करने वाला हूं, जिनमें सबसे पहले स्कैनर आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स बता करके देगा ऑन द बेसिस ऑफ सीसीआई इंडिकेटर। सीसीआई होता है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, तो सीसीआई इंडिकेटर हमको ट्रेंड पता करने में भी मदद करता है। तो इसीलिए सीसीआई इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले स्कैनर में ब्रेकआउट स्टॉक्स को पता करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग सीसीआई इंडिकेटर के बेसिस पे दूसरा स्कैनर देखने वाले हैं, जिससे हम लोगों को बेरिश स्टॉक्स का पता लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्कैनर है अपना, वो है फाइंडिंग ब्रेकआउट स्टॉक्स यूजिंग सीसीआई इंडिकेटर। तो सीसीआई इंडिकेटर का यूज करके हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक्स का पता करने वाले हैं। इस स्कैनर का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे विजिट करके इस स्कैनर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमको स्कैन ऑन का, तो यहाँ पर हमने निफ्टी 500 सेलेक्ट कर रखा है, यानी कि इस स्कैनर को हम लोग निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर स्कैन करके देखेंगे। इसके बाद चार्ट हमारा कैंडलस्टिक रहेगा एंड टाइम फ्रेम हमारा यहाँ पर 1 डे रहेगा। इस टाइम फ्रेम को आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी चाहे अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे 1 डे ही रहने देंगे। इसके साथ ही नीचे की तरफ आपको कंडीशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि 1 डे का सीसीआई क्रॉसेस अबव नंबर 100। तो ये स्कैनर हमको ऐसे स्टॉक्स का नाम बता करके दे देगा जिस किसी में भी जो सीसीआई की वैल्यू है वो 100 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर रन स्कैन पे क्लिक करें तो ये स्कैनर अभी रन होगा। रन होके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हमको यहाँ पर पता लग जाएंगे। तो हमें यहाँ पर टोटल 47 स्टॉक्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनमें अभी ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट्स में अगर आप किसी स्टॉक को देखेंगे तो उसके सामने आपको इसके वॉल्यूम देखने को मिल जाते हैं, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस और मिलते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल्स का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर स्टॉक का जो टेक्निकल्स होगा, बेसिक टेक्निकल्स, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे कि 20 EMA की वैल्यू कितनी है, 20 SMA की वैल्यू कितनी है, RSI की वैल्यू कितनी है, MACD की वैल्यू कितनी है, CCI इंडिकेटर की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको चार्ट का मिल जाता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से डायरेक्टली आपका जो चार्ट है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम पे मेरा सेट है। आप देख सकते हैं अभी ये अपने रेजिस्टेंस के रीजन पर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर से इसका जो ब्रेकआउट है वो पॉसिबल है। तो इसीलिए हमको ये स्कैनर ऐसा स्टॉक बता करके दे देता है जिनमें ब्रेकआउट की चांसेस होते हैं। वापस हम लोग अपने स्कैनर पर आते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर बाय एंड सेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर से बाय भी कर सकते हैं, बट उसके पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने काइट अकाउंट के थ्रू। तो मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन विद काइट पे एंड मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अभी मैं दोबारा से एक बार रन स्कैन पे फिर से क्लिक कर देता हूँ एंड APL लिमिटेड जो स्टॉक हम देख रहे थे इसके सामने जो बी का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको बाय का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर से आप डायरेक्टली अपना बाय ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके काइट अकाउंट पे यानी कि ज़रोदा के अकाउंट पे चला जाता है। फिलहाल अभी हम इसे कैंसिल करते हैं। अगर आपको सेल करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर से एस पे क्लिक करके इस तरीके से सेल भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो हमारा सेल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फिलहाल हम कैंसिल करते हैं। आप चाहे तो इस स्कैनर को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको डायरेक्टली क्लिक करना होगा शेयर के ऊपर एंड आपके सामने ये लिंक मिल जाता है, आप ये लिंक भी शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही आप चाहे तो इस स्कैनर को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये स्कैनर अपने अकाउंट पे सेव करना है तो आप सेव स्कैन के ऊपर क्लिक करके ये स्कैनर है उसको आप सेव कर पाएंगे एंड ऊपर की तरफ आपको माई स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी स्कैनर सेव किए होंगे तो वो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स यूजिंग सीसीआई इंडिकेटर का जो स्कैनर है वो सेव किया है, तो आप देख सकते हैं टॉप पे हमें उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वापस आते हैं। तो इस तरीके से आप इस स्कैनर का यूज करके ब्रेकआउट स्टॉक्स का पता कर सकते हैं। अगला जो स्कैनर है वो है हमारा बेरिश स्टॉक्स को फाइंड करने का यूजिंग सीसीआई इंडिकेटर, यानी कि सीसीआई इंडिकेटर का ही यूज करके हम लोग बेरिश स्टॉक्स का पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा स्कैन ऑन निफ्टी 500 सिलेक्टेड है, यानी कि निफ्टी 500 के सभी स्टॉक्स के ऊपर ये स्कैनर रन होगा। हम लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 डे का लेके चल रहे हैं। कंडीशन क्या है वो हम लोग यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं। अभी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि सीसीआई क्रॉसेस बिलो -100, यानी कि इस स्कैनर से हमको ऐसे स्टॉक्स का पता लगने वाला है जिस किसी में भी सीसीआई की जो वैल्यू है वो -100 के नीचे जा चुकी होगी, यानी कि क्रॉसेस बिलो -100। नीचे आते हैं तो रन स्कैन का हमको ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैनर हम दोबारा से रन कर पाएंगे। ये स्कैनर हमने रन किया है तो अभी हमें यहाँ पर 10 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इन रिजल्ट्स में आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कितना वॉल्यूम आज के दिन पे ट्रेड हुआ है वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके साथ ही चार ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर आपका टेक्निकल्स का, जैसा कि मैंने आपको बुलिश स्टॉक के केस में समझाया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। इसी तरीके से आप चार्ट भी ओपन कर सकते हैं एंड बाय एंड सेल ऑर्डर भी आप डायरेक्टली यहाँ पर से प्लेस कर सकते हैं।
इसके बाद आप इस स्कैनर को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सेव स्कैन के ऊपर, एंड अभी ये जो स्कैनर है हमारा वो सेव हो चुका है। अपने सेव स्कैनर्स को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली माई स्कैनर्स पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर से राइट हैंड कॉर्नर में ये आपको यहाँ पर आपके सेव स्कैनर्स मिल जाते हैं। अभी हमने सेव किया है बेरिस स्टॉक्स यूजिंग सीसीआई इंडिकेटर, वो आप देख सकते हो यहाँ पर है, एंड उसके पहले हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स यूजिंग सीसीआई इंडिकेटर सेव किया था, तो वो भी स्कैनर हमारा यहाँ पर सेव है, ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये स्कैनर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो आपको क्लिक करना होगा पब्लिक शेयरिंग के ऊपर, एंड फिर दोबारा से आप क्लिक कीजिएगा सेव स्कैन के ऊपर, एंड फिर यहाँ पर आपको जो शेयर का बटन देखने को मिल रहा है अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। आप डायरेक्टली इस लिंक को भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन या फिर ट्विटर पे भी इस स्कैनर को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्कैनर्स का फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही स्कैनर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस स्कैनर को ओपन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।